हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में हमारे बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो आज अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप अपने घर में ही बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम बना सकते हैं। ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम बाहर मिलने वाले महंगे महंगे मॉइस्चराइजिंग क्रीम से बहुत अच्छी और बहुत सस्ती भी है। इस क्रीम को बनाना बहुत आसान है। ये आपके घर में मौजूद कुछ चीजों को मिलाकर ही बन जाता है। जैसे कि आपको इस मॉइस्चराइजिंग क्रीम को बनाने के लिए चाहिए एलोवेरा जेल, कोई भी कोकोनट ऑयल, उसके बाद ग्लिसरिन, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल और विटामिन ई के कैप्सूल्स। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब इस तेल को बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरीके का एक मिक्सिंग बोल ले लीजिए और कोई भी मेजरिंग स्पून ले लीजिए। तो मैंने जैसे ये चम्मच लिया है, इस चम्मच से मैंने 2 चम्मच डाला कोकोनट ऑयल, 1 चम्मच डाला है मैंने इसमें कैस्टर ऑयल, क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत थिक होता है तो उसको 1 चम्मच ही डालें। उसके बाद मैंने 1 चम्मच डाला है इसमें आलमंड ऑयल, जिसे मीठा तेल भी कहा जाता है। ये सारे तेल की जो क्वांटिटी है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, उसी तरीके से आप डालें। फिर 1 चम्मच आप इसमें डालें ग्लिसरिन। ग्लिसरिन आपके स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद आप इसमें डालें 1 चम्मच एलोवेरा जेल। यहाँ पे मेरे पास टर्मरिक एलोवेरा जेल था। अगर आपके पास टर्मरिक एलोवेरा जेल ना हो तो आप इसमें नॉर्मल एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसमें डालें 2 से 3 कैप्सूल ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई आपके स्किन को बहुत अच्छा बनाता है, बहुत ही हेल्दी बनाता है। बाद में मैंने इसमें 1 चम्मच आपका जैतून का यानी कि ऑलिव ऑयल भी डाला था। उसके बाद आप इसको बहुत अच्छा सा मिक्स दें, जब तक कि आपका जो मिक्सचर है पूरा वो इस तरीके की कंसिस्टेंसी पे न आ जाए, आप उसको अच्छे से मिक्स करें। तो यहाँ हमारा सीरम कम मॉइस्चराइजिंग क्रीम बन करके रेडी हो गया है। इसे मैं इस तरीके के किसी भी जार में डाल के रख दूँगी। मेरे पास ये ऑलरेडी एक प्रोडक्ट था जो कि ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसे फेंका नहीं। मैं अनुमन नहीं फेंकती हूँ ऐसी चीज़ें, क्योंकि मुझे कभी कभी घर में DIYs बनाना होता है तो उसके लिए मैं इसको रख लेती हूँ। इसमें आप इसे डाल दें और इसे बंद कर अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो इसे आराम से 1 महीना चला सकते हैं, और अगर नहीं तो आप कम से कम 2 से 3 हफ्ते इसे आराम से चला सकते हैं। बस जब भी आपका बच्चा नहा ले, इस तरीके से उसमें से 1-2 ड्रॉप या थोड़ा सा क्रीम लें और अच्छे से बच्चे की स्किन पर मसाज करें। बच्चे थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं, बट इट्स ओके। ये हमारा काम है कि हम बच्चों की स्किन और हेयर का ख्याल रखें। तो बस मैं अनुमन की माया और शिवन्या को नहलाने के बाद जब उनकी स्किन सॉफ्ट रहती है उसी समय इस सीरम को और क्रीम को अप्लाई करती हूँ, और आप देख सकते हैं कि माया के चेहरे पे एक अच्छा सा ग्लो आ गया है। और ये आप एटलीस्ट 10 days to 15 days करके देखिए, आपको डेफिनेटली चेंज दिखाई देगा। घर में ही मौजूद चीज़ों से ये क्रीम आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, और ये क्रीम बच्चों की स्किन पे बहुत इम्पैक्टफुल होता है क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिला होता। तो ये तो बात हो गई स्किन केयर की, आइए अब बात करते हैं अपने बच्चों के हेयर केयर की। अगर हम अपने बच्चों के बालों की बचपन में ही अच्छी केयर करते हैं तो बड़े होने के बाद उनके बाल बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसीलिए मैं अपने बच्चों के लिए एक हेयर ऑयल मिक्सचर बनाती हूँ। उस हेयर ऑयल में सिर्फ एक तेल नहीं बल्कि काफ़ी सारे तेलों को यूज़ करती हूँ, जैसे कि कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल और विटामिन ई कैप्सूल्स। इन सारी चीज़ों को मैं ऐसे किसी जार में जो कि आपके पास खाली पड़ा है उसके अंदर डालकर मिक्स कर देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये तेल ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब बात आती है क्वांटिटी की, तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो होती है वो होती है कोकोनट ऑयल की। उसके बाद उसका आधा क्वांटिटी होता है आपका ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, देन आलमंड ऑयल, और कम से कम
10 विटामिन ई की कैप्सूल्स को इस बॉटल में डालिए, अच्छे से शेक करिए और फिर जब भी आपको अपने बच्चे को तेल अप्लाई करना हो तो यही तेल अप्लाई करिए। कोशिश करें कि हफ्ते में 2 से 3 बार इस तेल का इस्तेमाल करें। जब भी आपको अपने बच्चे को तेल लगाना हो, उसके बाल को प्रॉपर सेक्शन में डिवाइड करें, हर जगह तेल लगाएं और एक अच्छी सी चम्पी दें। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने बच्चों की स्किन और बाल दोनों पर ध्यान दे सकते हैं। तो होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो और इसी तरीके के और वीडियोज अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। तो बस आज के लिए यहीं तक, फिर मिलूंगी आपसे अपने नए व्लॉग में। तो आज के लिए बाय।